जिस मर्जी शहर चले जाएं आपको पानी मिले। में सारा पेपर से बना था ये। मगर रशीद मिस्त्री ने जहाज खोले उन्होंने सेट कर रहे हैं। ये सब चांद से होके आया हुआ है। कमाल है, जिस मर्जी शहर चले जाएं आपको पानी मिलेगा है? साथ समंदर जरूर है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम DC आए हैं और घूम रहे हैं, दूसरी दफ़ा आए हैं। नेशनल आर्काइव म्यूजियम में चलते हैं जी। हम बाहर आ गए हैं लेकिन अंदर कैमरा वीडियो और पिक्चर्स अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हम आपको अंदर कुछ नहीं दिखा सके। खैर आगे चलते हैं। एयर स्पेस म्यूजियम,
1896 हाँ जी, ये वाला जो है सारा पेपर से बना था ये। होय 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 होय, ये ये पहला बोइंग जी किस सन में बना था? ये फ्रांस ने बनाया था पहला बोइंग। एनोला गे ये देखिए ना, पायलट बैठे, इससे इन्होंने बॉम्ब गिराया था। ये वो गेज है जहाँ से गिराया था। जर्मन जहाज हैं जी सारे। मैंने रशीद मिस्त्री ने जहाज खोले है, उन्होंने सेट कर रहे हैं। मतलब पूरा उसके चार हिस्से अलग किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 पांच पार्ट में, और वो आगे एक और है। ये देखें जी, स्पेस शटल डिस्कवरी, ये है वो जो चांद पे पहली दफा गई थी। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। ज़ूम करके दिखाता हूँ जी, ये देखें। ओए होए होए होए, ये सैटेलाइट हैं जो, और एक ये है। सैटेलाइट ये रहा, और ये बंदा है इसके साथ लाइट, और ये जो बंदा उस वक्त इस पोजीशन में, फ्यूल इंजेक्टर वो जो पीछे लगे हुए हैं, हाँ जी, जो ये उसके हैं। वाह वाह वाह, और ये क्या है? ये नासा, ये तो वो है ना जो स्टेशन नहीं बनाते, ये स्टेशन, हाँ जी, ये वो वाली है। ये स्पाई सैटेलाइट और पता नहीं क्या क्या नाम है जो मुझे नहीं आते, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। ओहो, बकरी दुनिया ये। हबल है, चांद की तस्वीरें से लेते हैं। हाँ। हबल कहते हैं इसे? नहीं, हबल तो जमीन पे है ना। हाँ, चांद की तस्वीरें। और ये दो क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये बहुत बड़ी है। ये देखिए ना, ये तो जैसे गई थी चांद गाड़ी। हाँ, ये चांद गाड़ी है शायद। हाँ जी, मुझे मेरा ख्याल है लग वही रही है, चांद गाड़ी टाइप कुछ। इनका यहाँ वो नहीं लगा हुआ ना कि हम पढ़ के आपको बताएं, बस आप देख लें।
नीचे अब जा रहे हैं जी, ये इसके बारे में सारा कुछ है। ये उस वक्त का सामान जो कलाबाज गए थे जब उन्होंने ये पहना हुआ था, ये वही है ना ओरिजिनल? ये वही है जी, ये सब चांद से होके आया हुआ है जी। क्या बंदा था उस बंदे का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। सब स्पेस पे जाने वाला सामान, ऐसा कैसा लगा है? मजा आया ना? ये ड्रोन है जी जो ऊपर से छोटा सा नजर आता है। ये था जी सारा स्पेस वाला डिपार्टमेंट जो मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं एरोप्लेन की तरफ। हाँ जी, They actually are going to accommodate for height growth, so you're going to be on about 2 to 3 inches taller than. Wow. Yeah. Because there is no G-force, so it's fine. If, yeah, it feels like there is no G-force. And what about this? This? Yeah, जी, ऊपर से मैंने आपको दिखा दिए थे, अब हम नीचे आ गए हैं। टॉप एंगल से ज़्यादा अच्छे थे। ओहो, ऑरेंज कलर। हाँ जी, फाइटर प्लेन F-16 और बाकी दूसरे जो ये पुराने वाले
For good be. साहब जी राइड लेने जा रहे हैं और राइड लेने जा रहे हैं वो वाली इसके अंदर एहसान साहब बैठे हैं और वो गोल गोल घूम रही है कैसा था है? मुश्किल था क्या लग रहा था अंदर अंदर क्या लग रहा था अंदर कंट्रोल में नहीं आता अगर आप कंट्रोल यहाँ तक उल्टियाँ थी सारा लगता था कि गिर जाएगा गिरा भी है गिरा भी है जहाज मजा आया सामने सीनरीज कैसी थी फायरिंग वाली होए 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 अटैक कर रहे हो अच्छा वो जब फायर भी करती हां ना ये वो इससे उल्टा हो गया ना मेरा हां वो उल्टा हो रहा था मैं देख रहा था बार-बार नहीं अच्छा उड़ाया अच्छा अच्छा उड़ाया एक दो दफा उड़ाए तो फिर कंट्रोल किया मैंने चलें जी इन्होंने जहाज की राइड भी ले ली जी हैं फ्लाइट ले ली जहाज की अपने मजेदार जैन आप क्यों नहीं बैठे हैं अच्छा इधर ही लैंड हुए थे यहीं से इंशाल्लाह टेक ऑफ करना है हमने ये है रनवे
था जी एयर एंड स्पेस म्यूजियम, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अभी हम इस टावर में थे लास्ट में, तो मज़ा आया जी। आपने किया एंजॉय नहीं किया मैसेज करके बताएंगे आप। अब हम चलते हैं जी घर की तरफ, कुछ खाना वाना खाते हैं क्योंकि टाइम हो गया 4:45, 5:15 असर होती है यहाँ, 8:15 मगरिब होती है, 10:15 इशा होती है, जोहर की नमाज भी कज़ा हुई है, वो भी पढ़नी है इंशाल्लाह। अल्लाह हिम्मत दे सबको, हमें भी। चलें जी अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रब रखा और बेगम अपनी तस्वीरें बनाती हुई नहीं आ रही हैं वैसे। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।